द्वीप समूह। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई द्वीप समूह स्थित हैं। इनमें दो बड़े बड़े द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप समूह। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में फैला है। अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप आते हैं। निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार एवं दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सागर में डूबे हुए पर्वतों की ऊपरी चोटियां हैं। इसका तट किनारा बहुत कटा फटा है, धरातल ऊबड़ खाबड़ है, कहीं छोटे छोटे मैदान तो कहीं पहाड़ एवं पठार हैं। कुछ द्वीपों के किनारे प्रवाल कोरल की अधिकता है, कहीं भूमिगत गुफाएं हैं। हैवलॉक द्वीप कोरल के लिए एवं बाराटांग द्वीप भूमिगत गुफा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भौगोलिक स्थलाकृतियाँ स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और कंदरा स्तंभ देखने को मिलती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका समुद्र तट बहुत सुंदर, पर्यटकों का मन मोह लेने वाला है। यहाँ प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है, जहाँ अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी देश निकाला की सजा देते थे। वर्तमान में यह जेल राष्ट्रीय स्मारक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में आबादी घनी है और शेष जगह बिखरी हुई है। इन द्वीप समूहों में आदिम सभ्यता और आधुनिक सभ्यता दोनों देखने को मिलती हैं। जरावा, ओंग, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, सोमपेन यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इनमें पर्यावरण के साथ समायोजन करने की अद्भुत क्षमता है। यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या है। आदिवासी जल का संचय प्राकृतिक तरीकों से करते हैं। इनमें से एक तरीका बांस को चीर कर उनमें वर्षा के जल का संचय करना होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान के रंगड़ शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर पंख मड ज्वालामुखी है, जिससे निरंतर महीन मिट्टी का घोल निकल रहा है। दूसरा लक्षद्वीप समूह। मानचित्र में लक्षद्वीप समूह की स्थिति को देखिए। यह द्वीप समूह अरब सागर के दक्षिण की ओर मालाबार तट केरल के पश्चिम की ओर फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। सन 1973 के पहले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप मिनिकाय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं, जिनमें लक्षद्वीप सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप समूह पर्वत के अंश हैं, जिस पर लंबे समय तक प्रवालों के अस्थि पंजरों का जमाव निक्षेप होता रहा। इस भाग में रेत, बजरी, गोलाश्म, शैवाल आदि का भी जमाव हजारों लाखों सालों तक होता रहा और इससे द्वीप का निर्माण हुआ। इस द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है। उपर्युक्त दोनों द्वीप समूहों की जलवायु उष्ण आर्द्र है, इसलिए इनमें उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, सदाबहार वन मिलते हैं। ये वन घने हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ताड़, बांस आदि हैं। समुद्री किनारों पर ज्वारीय वनस्पति मिलती है। नारियल के वृक्ष भी बहुत मिलते हैं। यहाँ केला, सब्जियाँ, कुछ अनाज और गरम मसाले भी उगाए जाते हैं। इन द्वीप समूहों के निवासी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक नाव, स्टीमर व जलयान के द्वारा आते जाते हैं। इन द्वीपों की आबादी बहुत ही कम है। कुछ द्वीप तो बिल्कुल निर्जन है। लक्षद्वीप समूह के केवल 10 द्वीपों में आबादी है। उपर्युक्त द्वीप समूह के अतिरिक्त मुख्य भूमि के तट से लगे कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, श्रीहरिकोटा तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। अरब सागर तट पर हेनरे और कैनरे द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सेलसेट द्वीप, जिनमें मुंबई महानगर फैला हुआ है।